हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरिन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है और इसके पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है। बोल रहा है कि C5H10 एक कोई कंपाउंड है जो Cl2 से डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन यही कंपाउंड Cl2 से रिएक्शन कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट दे रहा है C5H9Cl। तो आपको फाइंड करने बोल रहा है, आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कि C5H10 क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसे के पीछे क्या कंसेप्ट है उसे समझते हैं। सबसे पहली बात, C5H10 अगर हम लोग इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं तो आएगा 1। क्या आएगा? 1। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो फिर 1 एक रिंग होगा। लेकिन मैंने तो आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं पढ़ाया, तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हम लोग इसे इजी वे में समझते हैं डिफिकल्ट ना बना के। C5H10 आप इसे अल्केन अल्कीन अल्काइन में कंपेयर कीजिए। ये क्या है, देखिए CnH2n, तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, या तो ये अल्कीन होगा क्योंकि ये अल्कीन का फॉर्मूला है, या तो फिर ये साइक्लो अल्केन भी हो सकता है, साइक्लो अल्केन। चलिए यहां तक हो गया बात। सेकेंड क्या बोल रहा है कि जब इनको हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे? क्लोरीन से। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन से, डार्क में, मतलब लाइट का अब्सेंस है वहां पे, तब रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं होगा Cl2 से, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट अल्कीन होगा। क्या होगा? अल्कीन। अल्कीन होगा तभी डार्क में रिएक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स नो रिएक्शन। और अगर साइक्लो अल्केन होगा तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगा। तो अब इससे साफ हो गया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो साइक्लो अल्केन है, अल्कीन नहीं है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है कि अल्कीन या फिर साइक्लो अल्केन, तो चलिए अल्कीन, आपको ये डार्क का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो पेंटेन का आप अल्कीन बनाइए। क्या हो सकता है? यह होगा, मान लेते यह प्रोडक्ट होगा। समझते हैं, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा क्या है? C5H10 है, अल्कीन है। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम इसे रिएक्शन करा रहे Cl2 से, किससे? Cl2 से, तो एक मोनो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, अगर क्लोरीन यहां पे आके कनेक्ट होता तो इसका नाम क्या होता? 1-chloro-pent-3-ene। क्लोरीन यहां पे भी तो कनेक्ट हो सकता है, तो क्या होगा? 2-chloro-pent-3-ene। तो यहां पे तो एक कंपाउंड नहीं मिला, एक प्रोडक्ट नहीं मिला, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। उसी टाइप से क्लोरीन यहां पे भी कनेक्ट होगा, यहां पे भी कनेक्ट हो सकता है, दैट मींस अल्कीन अगर होगा तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। तो इससे भी पता चलता है कि ये अल्कीन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है? सिंगल मोनो क्लोरो कंपाउंड देगा, तो इस टाइप से ये अल्कीन नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो साइक्लो अल्केन में क्या होगा? तो आप साइक्लो अल्केन का बनाइए। देखिए, ये मेरा साइक्लो अल्केन है, 5 मेंबर रिंग। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे अगर Cl2 से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तब प्रोडक्ट क्या देगा? तो देखिए, यहां पे क्लोरीन आके कनेक्ट होगा। अब यहां पे समझिए, क्लोरीन यहां पे भी कनेक्ट होगा तो इसका नाम क्या होगा? 1-chloro-cyclopentane। यहां पे भी कनेक्ट है तो 1-chloro-cyclopentane, यानी जितना भी हाइड्रोजन है इक्विवेलेंट है और सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है C5H9, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। ध्यान दीजिए, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और यहां पे 1 हाइड्रोजन। तो देखिए, 2, 4, 6, 8 और 1, 9, H9Cl। लेकिन आपके माइंड में यह भी आ सकता है कि यह भी तो हो सकता है, ये देखिए, ये भी तो मेरा क्या है? C5H10 है। लेकिन यहां पे जो कार्बन है और यहां पे जो कार्बन है इक्विवेलेंट नहीं है। यहां पे कार्बन आएगा, अगर यहां पे कार्बन जो हाइड्रोजन है यहां पे क्लोरीन आके कनेक्ट होगा तो अलग प्रोडक्ट देगा।
यहां पे जो हाइड्रोजन उसे अगर क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो अलग प्रोडक्ट देगा। इस टाइप से यहां पे सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड नहीं होगा। इस टाइप से कोई ये भी बोल सकता है कि ये भी तो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए ये भी क्या है, C5H10 है। लेकिन यहां पे जो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ध्यान दीजिए यहां पे रिप्लेस हो सकता है, यहां पे भी रिप्लेस हो सकता है, यहां पे भी और इस जगह पे भी रिप्लेस हो सकता है। तो यहां पे सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड नहीं होगा, इसीलिए मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। तो ये मेरा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।